और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन तमन्ना भाटिया को सबसे ज्यादा पहचान मिली फिल्म बाहुबली के दौरान, जहां इनके छोटे से रोल को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। वहीं इनके टॉपलेस अवतार ने इनके प्रेम से भी चीजें उड़ा दी। वेल दोस्तों, इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के काम को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। फिल्म बाहुबली में तमन्ना भाटिया ने प्रभास के साथ लीड रोल निभाया था, लेकिन बाहुबली 2 में तमन्ना का एक छोटा सा रोल था और इस बात के लिए तमन्ना भाटिया फिल्म के डायरेक्टर बाहुबली 2 को लेकर तमन्ना भाटिया की सीन में भी काफी ज्यादा चर्चाएं बटोरी थी। दरअसल इस फिल्म में तमन्ना ने प्रभास के साथ कई लव मेकिंग सीन दिए और इनके फैंस इनके लव मेकिंग सीन को देखकर काफी ज्यादा नाराज हो गए थे, क्योंकि इस तरह के सीन के लिए इनके फैंस की इनसे उम्मीद न थी। फिल्म का एक सीन ऐसा था जिसमें तमन्ना भाटिया टॉपलेस अंदाज में नजर आई थी और इनके इस सीन पर लोगों ने काफी गुस्सा भी किया था और साथ ही इस फिल्म को बायकॉट करने की भी डिमांड की थी और इसके चलते तमन्ना भाटिया को भी पूरी तरह से जिसकी वजह से तमन्ना का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया था, लेकिन फिल्म देखने के बाद लोगों का सारा गुस्सा शांत हो गया। वेल दोस्तों, भले ही बाहुबली फिल्म के दौरान तमन्ना भाटिया को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया हो, लेकिन आज तमन्ना भाटिया अपनी एक्टिंग और डांसिंग स्किल से सबको अपना दीवाना बना चुकी है। तमन्ना भाटिया की फिल्मी कैरियर की अगर बात करें तो तमन्ना भाटिया ने मात्र 15 साल की उम्र में ही एक्टिंग कैरियर की शुरुआत कर दी थी। हालांकि इनकी पहली फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ी। तमन्ना भाटिया को सबसे पहले चांद सा रोशन चेहरा में देखा गया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी और इसके बाद तमन्ना भाटिया ने कुछ वीडियो एल्बम में भी काम किया। इसके बाद तमन्ना भाटिया ने तेलुगु और तमिल फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। साल 2005 में तमन्ना भाटिया ने फिल्म श्री में काम किया। तमन्ना भाटिया ने अपने टैलेंट के दम पर एक के बाद एक फिल्म हासिल की। देखते ही देखते तमन्ना भाटिया साउथ फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 10 एक्ट्रेसेस में शामिल हो गई। साल 2013 में तमन्ना भाटिया ने बॉलीवुड फिल्मों में वापसी की। इन्होंने आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और इनमें से आप किसको लाइक करते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर ऐसे ही बॉलीवुड से चटपटी खबरों को जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।